नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू टेक एंड ट्रिक्स पर। दोस्तों, आप सबके एटीएम पिन को लेकर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एटीएम पिन में क्या फ़र्क होता है, क्या डोमेस्टिक पिन से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बैंक्स ने एटीएम पिन जनरेट करने के प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब अगर आप नए एटीएम कार्ड पर एटीएम पिन जनरेट करते हैं तो आपको एटीएम पिन जनरेट करते समय डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। कई बार लोग गलती से या जानबूझकर एटीएम पिन जनरेट करते समय इंटरनेशनल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। बाद में उन्हें लगता है इंटरनेशनल सेलेक्ट करके उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कई बार लोग कमेंट करते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एटीएम पिन में क्या अंतर होता है। कई बार लोग डोमेस्टिक ऑप्शन को सेलेक्ट करके एटीएम पिन सेट करते हैं, बाद में वे सोचते हैं क्या मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर पाऊंगा या नहीं। दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस छोटे से वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या यूनियन बैंक से संबंधित वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। पॉइंट नंबर वन, अगर आपके पास नया एटीएम कार्ड है और आप एटीएम पिन जनरेट करना चाहते हैं तो पहले ये चेक करें कि आपके पास जो कार्ड है वो डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल। अब बैंक्स ज़्यादातर अपने ग्राहकों को इंटरनेशनल डेबिट कार्ड दे रहे हैं, फिर भी आप चेक ज़रूर कर लें। पॉइंट नंबर टू, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो एटीएम पिन जनरेट करते समय डोमेस्टिक ऑप्शन को ही सेलेक्ट करें। पॉइंट नंबर थ्री, अगर आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है और आपने एटीएम पिन जनरेट करते समय इंटरनेशनल ऑप्शन को सेलेक्ट करके एटीएम पिन सेट कर ली है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर फोर, अगर आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एटीएम पिन को लेकर दुविधा में हैं तो मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एटीएम पिन में कोई फ़र्क नहीं होता है। पॉइंट नंबर फाइव, अगर आपके पास इंटरनेशनल कार्ड है और आपने एटीएम पिन जनरेट करते समय डोमेस्टिक ऑप्शन को सेलेक्ट किया है और आप इंटरनेशनल वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं लेकिन ट्रांजैक्शन फेल्ड हो रहा है, तो आप पहले इंटरनेशनल ई कॉमर्स सर्विस को एक्टिवेट करें, उसके बाद ट्रांजैक्शन फेल्ड नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।